वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? समी की किचन में सबका वेलकम। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए इस बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल रेसिपी, मकई की रोटी स्पेशल नाश्ता। तो आज बगैर गूंदे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि बगैर गूंदे हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैंने मकई की आटा लिया है। ये हम तकरीबन लेंगे हम 2 कप। ये देखें, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी और डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट एज़ पर योर टेस्ट, जितना आपको पसंद हो। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और आपने लेना है इसके लिए नीम गरम दूध। ये देखें, नीम गरम दूध आप लेंगे ना तो इससे रोटी जो है वो आपकी फटेगी नहीं। ये थोड़ा सा आप इसमें ऐड करें। ये हमने सारा ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और बाकी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको आपने सही तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें जो गुठली है या लम्स हैं वो सेट हो जाएं। ये देखें, और क्योंकि हम ये नाश्ते के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे 1 अदद अंडा। ये देखें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। क्योंकि हम नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो नाश्ते के लिए वैसे भी अंडा बहुत ज़रूरी है। ये देखें, और अब इसकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है इतनी ही। बस थोड़ा सा इसमें और हम ऐड करेंगे पानी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखें, आज मैं आपको बगैर गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए मकई की रोटी बनाना सिखा रही हूँ। सर्दियों में इसे साग के साथ मज़े ले लेके खाएं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी ही रखनी है। और आप चलें इसको हम बना लेते हैं। बस तो ये देखें, नॉनस्टिक तवा पैन किसी भी चीज़ में आप इसको बना सकते हैं। ये मैंने रखा है नॉनस्टिक तवा। और इसको थोड़ा सा आप गर्म होने दें और इसके ऊपर हम डालेंगे घी। अगर आप इसको देसी घी में बनाना चाहते हैं, मक्खन में बनाना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें। अभी ये मैंने देसी घी डाला है, बिल्कुल इसको आपने सही स्प्रेड कर देना है पूरे पैन पे, पूरे तवे पे। ये देखें, और अब आपने लेना है इस तरह का चमचा। ये देखें, इस तरह का चमचा लेना है और इसको अब आप इस तरीके से फैला दें। ये देखें, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैं तकरीबन छोटे साइज में ही बनाऊंगी जी। ये देखें, अब हम इसके ऊपर डालेंगे और घी। चूंकि ये बनता ही घी में है, ये देखें, इसको बहुत ही एहतियात से आपने पकड़ के पलट देना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप, बगैर गूंदे बगैर पेड़ा किए आप मकई की रोटी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान। और सरसों के साग के साथ मक्की की रोटी बहुत ही शानदार। और मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगी इसका, जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे माएँ बनाया करती थी। देखें, किसी साइड से नहीं टूटी। इसको अच्छे तरीके से पकने दें।
और अगर आप और घी डालना चाहें तो और घी डालें। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है इसका। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, देख सकते हैं। साइड्स की चेंज किया मैंने, थोड़ा सा दूसरी साइड से भी इसको और पकाएंगे। और इसी तरीके से हम अपनी सारी मक्की की रोटी तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके से आप निथार लें इसका जो घी है। और ये हम इसको प्लेट पे रखेंगे और साथ ही एक और बनाएंगे। इसी तरीके से आपने बनानी है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। घी डाल लें, यहाँ पे घी कम है जी। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है और इसको भी आप देख सकते हैं। आप बहुत ही एहतियात से आप इसको साइड पे करके पलट लें और थोड़ा सा घी इसमें और डालें। याद रखिएगा ये ज़्यादा बनती भी घी में है। और अब चूंकि हमारा तवा अच्छे तरीके से गर्म था इसलिए ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें इस तरीके से ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर लें। ऐसे ही हम इसको भी तैयार कर लेंगे जैसे हमने पहले तैयार किया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हम रखते हैं इसके ऊपर साग। ये देखें मज़े ले लेके आप खाएं इसे। और थोड़ा सा मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। इसको अब आप टेस्ट करें। अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इस रेसिपी को बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। देखिए मैंने इसके ऊपर मक्खन नहीं रखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको देसी घी में बनाया है। तो बग़ैर गूंदे इंस्टेंट मैंने आपको आज बनाना सिखाया है। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे साथ में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप भी इंजॉय कर सकें इन मज़ेदार रेसिपीज़ को। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।